अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन ग्रेवी। आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बीफ जो होता है वो थोड़ा सस्ता होता है और ये जो मटन होता है ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो ये आप अपनी कैट को बना कर दे सकते हैं। अगर आपकी कैट जो है वो बीमार है या किसी भी बीमारी से रिकवर हो रही है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और अगर आपकी कैट जो है उसकी डिलीवरी हुई है, मतलब उसने अभी किटन्स दिए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं हल्दी, जो कि आप लोग देख सकते हैं हमने हाफ टेबल स्पून डालनी है इसके अंदर हल्दी। और हल्दी जो होती है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आपके पेट की हेल्थ के लिए, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करती है, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल काम करती है। तो अगर आपके पेट को कोई भी इंटरनल इंजरी है या आपकी कैट की सडन ही डिलीवरी हुई है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और इसके आपकी कैट को बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर मैं उसके बारे में डिटेल डिस्कस करूँ तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा जस्ट इसमें नमक डालेंगे क्योंकि इससे जो है टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है ग्रेवी का। और आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही हम रॉक साल्ट थोड़ा सा जस्ट, मतलब हाफ से भी हाफ जो है हमने डालना है। और इसके अंदर हम अब डाल देंगे एक गिलास पानी। कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल आता है कि क्या कैट को हम नमक दे सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं देना आपने कभी कभी। अगर आप ग्रेवी बना के दे रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा डाल के दे सकते हैं क्योंकि इससे टेस्ट जो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो अब इसके अंदर हम डालने जा रहे हैं पानी। पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। इतना पानी डालने के जो गोश्त है वो अच्छे से डिप हो जाए। तो अभी मैं इसके अंदर हाफ गिलास और पानी डालूंगी। ये देखें भैया, अब इसको हम कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। तो इससे जो है बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाती है और आप अपनी जो कैट है उसको छोटे पीसेस करके भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके पास बोनलेस मटन या बीफ नहीं है तो आप जो है बोन वाला यूज़ कर सकते हैं, पर पकाने के बाद आपने क्या करना है बोन्स को अलग कर लेना है। ये देखें जी, हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप सूप भी बोल सकते हैं, मटन या बीफ का, मतलब आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे मटन यूज़ किया है और इसको आप छोटे पीसेस कर सकते हैं हाथों की मदद से। आप कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं अगर आपकी कैट की कोई सर्जरी हुई है या कोई भी इन्फेक्शन हुए हैं वायरल और डिलीवरी हुई है, तो उसके बाद आप अपनी कैट को ये बनाकर दे सकते हैं। इससे कैट बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी कैट को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अब हम अपनी कैट को देंगे। ये देखे थी जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो मानो ने सारी पी ली है और इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी कैट को भी बहुत पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।